टॉप 7 फेक बॉडी बिल्डर्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग तकरीबन हर लड़के को ही पसंद होती है। यह नौजवान तो क्या, बूढ़े का भी सपना होता है कि उसके सिक्स पैक हो, फूले हुए बाइसेप्स हो और चौड़ी छाती हो। ऐसी शानदार बॉडी को पाने के लिए लड़के कई साल मेहनत करते हैं, जिम में घंटों बिताते हैं और अच्छी डाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी बॉडी शानदार दिख सके, मगर फिर भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम अक्सर टीवी, मूवीज और इंटरनेट वगैरह पर देखते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या इन्होंने ये बॉडी बहुत ही मेहनत करके बनाई होगी? तो आप गलत हैं। इन कमाल के बॉडी बिल्डर्स में सिर्फ 20% ही ऐसे हैं जिन्होंने सही में मेहनत की होगी, बाकी 80% ने शॉर्टकट अपनाते हुए मेडिसन और ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है जिन्होंने इनकी बॉडी को मॉन्स्टर लुक दी है। इन्हें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इनका ताल्लुक शायद हमारी दुनिया से है ही नहीं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 7 फेक बॉडी बिल्डर्स के बारे में जानेंगे जो फेक बॉडी होने के बावजूद दुनिया भर में मशहूर हैं। नंबर 1, रोमेरियो डॉस सैंटोस एल्वेस। दोस्तों, इस शख्स का ताल्लुक ब्राजील से है। रोमेरियो का कहना है कि मुझे टीनेज से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था। जब मैंने जिम स्टार्ट की तो मैंने जिम में ऐसे लड़कों को देखा जिन्होंने ज्यादा मेहनत किए बगैर बहुत ही हैवी बॉडी बनाई थी। मैंने इनसे दोस्ती की तो उन्होंने मुझे सिंथोल सब्सटेंस का बताया। ये एक ऐसा सब्सटेंस था जो अल्कोहल, ऑयल और पेन किलर के मिक्सर से बना था। रोमेरियो ने इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया और दिनों और महीनों वाला काम चंद मिनटों में होने लगा। रोमेरियो ने कहा कि मेरे मसल्स फौरन फूलने लगे और ये पत्थर की तरह हार्ड होने लगे। ये इतने हार्ड हो गए थे कि मैं खुद से अपने मसल्स में इंजेक्शन नहीं लगा पाया। फिर मैंने वो नीडल्स बाय की जो बुल्स के लिए यूज की जाती थी। रोमेरियो के बाइसेप्स नाकाबले यकीन हद तक फूल कर 25 इंच के हो गए थे। रोमेरियो ने बहुत ही जल्द आर्टिफिशियल बॉडी तैयार कर ली थी। बच्चे और खवातीन इसकी अजीब बॉडी देखकर डरने लगे। जल्द ही रोमेरियो की हेल्थ बिगड़ने लगी। तेल में टॉक्सिन की वजह से इसे किडनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। रोमेरियो की सेहत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर्स ने कहा, या तो आपके बाजू काटने पड़ेंगे या फिर इनमें मौजूद ये पथरीला सिंथोल निकालना पड़ेगा। 2 साल से रोमेरियो ने सिंथोल सब्सटेंस का यूज करना बंद किया है। इसकी बॉडी ढीली ढाली हो चुकी है। लोग इसे पहली नजर देख कर खौफजदा हो जाते हैं। रोमेरियो ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि इस सब्सटेंस की एक खास बात ये भी है कि ये नशे के जैसा है, बहुत ही जल्द आप इसके आदी हो जाते हैं। नंबर 2, वाल्डीर सिगाटो। इस बॉडी बिल्डर का ताल्लुक भी ब्राजील से ही है। दोस्तों, सिगाटो की उम्र अभी 60 साल के करीब है। इन्होंने 2011 में, जब ये 48 साल के थे, इन्होंने अपने बाइसेप्स, चेस्ट और शोल्डर में सिंथोल इंजेक्ट करना शुरू किया था। अभी इनके बाइसेप्स 23 इंच तक फूल चुके हैं। सिगाटो का कहना है कि जवानी में मैं ड्रग्स का आदी था जिसकी वजह से मैंने अपना वेट खो दिया था। लोग मुझे स्किनी डॉग और छोटी खोपड़ी वाला कहकर बुलाते थे। फिर मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, जहां एक शख्स ने मुझे सिंथोल के बारे में बताया और कहा, सिर्फ वेटलिफ्टिंग से कहीं ज्यादा तुम इस चीज से शदीद असरात हासिल कर सकते हो। उसके बाद से सिगाटो ने सिंथोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह अब हर रोज सिंथोल को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। वो चाहता है कि वो अपनी सिटी में बिगेस्ट गाय के नाम से मशहूर हो। डॉक्टर्स ने इसे सख्ती से सिंथोल यूज करने से मना किया है। इससे इसके मसल्स बुरी तरह डैमेज हो रहे हैं। इसे बॉडी इन्फेक्शन और अल्सर की शिकायत भी हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिंथोल ही तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। मगर इस सब के बावजूद सिगाटो पर अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को अपनी भद्दी और अजीबोगरीब बॉडी की पिक्स और वीडियोस दिखाने का जुनून चढ़ा है, जिसके चक्कर में वो मुसलसल सिंथोल का यूज कर रहा है। नंबर 3, ब्राजीलियन हल्क ब्रदर। दोस्तों, इन दोनों भाइयों का नाम टोनी गिराल्डो और अल्वेरो पिरेरा है। इनका ताल्लुक भी ब्राजील से ही है। इन दोनों भाइयों को केमिकल ब्रदर्स भी कहा जाता है। एक की एज 50 साल और दूसरे की 51 साल है। इन दोनों भाइयों ने सिर्फ 15 साल ही की उम्र में मसल्स बिल्डिंग सब्सटेंस का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम प्रोटेनिन B12 है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल ज्यादातर बीमार घोड़ों में विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसे इंसानी मसल्स में डायरेक्ट इंजेक्ट करके एक्सरसाइज करने से मसल तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये दोनों भाई हफ्ते में 2 बार इस सब्सटेंस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ब्राजीलियन हेल्थ ब्लॉग के मुताबिक ये केमिकल एक बहुत ही बुरे नशे के जैसा है। इसका आदि डिप्रेशन का शिकार रहता है। ये किडनी और लिवर को बुरी तरह डैमेज करता है। इन्हें एक फूली हुई बॉडी तो मिल गई है, लेकिन फिट रहने के लिए इन्हें हर रोज 4 घंटे जिम जाकर पसीना बहाना पड़ता है और लगभग हर रोज 6000 कैलोरीज बर्न करना पड़ती हैं। डॉक्टर्स ने इन्हें मजीद ये सब्सटेंस अब यूज करने से मना कर दिया है, क्योंकि इनके बाइसेप्स का साइज 28 और 25 इंच तक हो चुका है। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि अब इससे ज्यादा मसल ग्रोथ के लिए इनकी स्किन को मजीद स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, इसलिए मजबूरन इन्हें इसका इस्तेमाल अब छोड़ना होगा। नंबर 4, नतालिया कुज़नेत्सोवा। 29 साल नतालिया का ताल्लुक रशिया से है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में खुद को बाकी लोगों से बेहतर बनाने के लिए हार्डवर्क और अच्छी डाइट की जरूरत होती है, और ये हार्डवर्क तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है
जब बात किसी औरत की हो तो, बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स और बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से। मगर दोस्तों, अगर किसी को मेहनत से ज्यादा सब्सटेंस पर यकीन हो जाए तो बात अलग हो जाती है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा चुकी नतालिया भी फेक बॉडी बिल्डर हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि इन्होंने एनाबॉलिक और एस्ट्रोजन ब्लॉकर का इस्तेमाल किया है। इससे नतालिया की बॉडी में नए हॉर्मोन्स की ग्रोथ होना शुरू हुई। इसकी वजह से इन्हें मर्दों जैसी बॉडी तो मिल गई, साथ में इनकी आवाज भी बिल्कुल मर्दों जैसी हो गई है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं दुनिया के बिगेस्ट मेल बॉडी बिल्डर और बिगेस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में मेल बॉडी बिल्डर या फिर फीमेल बॉडी बिल्डर लिखें। नंबर 5, अलिंडो डी सूजा। दोस्तों, अलिंडो का ताल्लुक भी ब्राजील से ही है। मुझे लगता है ब्राजील ये गोश्त के पहाड़ बनाने की रेस में सबसे आगे निकलना चाहता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अलिंडो को इनके होम टाउन में द माउंटेन ही कहकर बुलाया जाता है। इनके बाइसेप्स का साइज 29 इंच है, जो कि दुनिया के बड़े बाइसेप्स में शामिल होते हैं। अलिंडो ने ओपनली सबको बताया है कि उन्होंने सिंथोल और स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया है। ये कहते हैं कि इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में ऑयल की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इन्हें अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होने लगी। और बुरी बात ये थी कि डॉक्टर्स ने भी इनका इलाज करने से साफ इनकार कर दिया था। नंबर 6, किरिल टेराशिन। दोस्तों, किरिल का ताल्लुक रशिया से है और इनकी एज सिर्फ 24 साल है, मगर बहुत जल्दी बॉडी बनाने की चाहत ने इनकी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। इन्हें रशियन पोपाय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जल्दबाजी से इनको हैवी बाइसेप्स तो मिल गए, जिसकी ताकत को आजमाने के लिए ये स्लैब चैंपियनशिप 2019 में पहुंच गए, जहां ये बहुत बुरे तरीके से फेल हुए थे। डॉक्टर्स ने इन्हें पहले ही वार्न कर दिया था कि मजीद सेंथोल इनकी जान भी ले सकता है या फिर इनके दोनों बाजुओं को काटना पड़ सकता है। और हुआ भी कुछ यूं ही, 2019 तक इसके बाजुओं में शदीद पेन होना शुरू हो गया, और जब ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो इसे अपने बाजुओं की सर्जरी करवानी पड़ी, और इसके बाजुओं से 6 लीटर पेट्रोलियम जेली जैसा सब्सटेंस निकला था। नंबर 7, मुस्तफा इस्माइल। दोस्तों, मुस्तफा का ताल्लुक इजिप्ट से है। इनके बाइसेप्स का साइज 31 इंच है, जिसके लिए इन्हें 2012 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, जिसके बाद से इन्हें लार्जेस्ट अपर आर्म इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाने लगा। मगर दोस्तों, ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि फेक बॉडी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। लगातार ड्रग्स यूज करने की वजह से इनकी बदनामी होने लगी, जिसके बाद इन्हें रिकॉर्ड से वापस हटा दिया गया। दोस्तों, आज जो आपने एग्जांपल्स देखी हैं, ये शॉर्टकट का ही नतीजा है। ऐसे में आप कोई भी इन लोगों जैसी बेवकूफी मत कीजिएगा, वरना बॉडी बनाने के चक्कर में आप अपनी बॉडी खराब कर बैठेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पार्ट 2 बनना चाहिए तो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।